बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मुझे ज़्यादा इल्म अता कर। हम आज अच्छे मैनर्स के बारे में सीखेंगे। आपको पता है कि अच्छे मैनर्स, अच्छे अखलाक अपनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं जो बुरे अखलाक और किरदार के मालिक हैं, तो फिर ख्याल आता है कि हम क्यों अच्छे इखलाक अपनाएं। लेकिन हमने अगर अब ना सीखे तो कब सीखेंगे? तो हम आज कुछ अच्छे इखलाक के बारे में सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि जो अच्छी हम बातें सीखते हैं इनको अपने अमल में भी लाएं। तो एक बहुत ही खूबसूरत बात है प्लीज़ कहना, कि मेहरबानी करके मुझे चीज़ देने, तब भी किसी से कोई बात करना, और अगर गलती हो जाए तो अपनी गलती को तस्लीम कर लेना और सॉरी कहना। और ख़ाली सॉरी अल्फाज ही से नहीं कहना, बल्कि अपने दिल से सॉरी करना और फिर वो काम दोबारा ना करना। अगर कोई आपको कोई चीज़ दे तो उसका शुक्रिया अदा करना या उसको थैंक यू बोलना। इसी तरह एक बहुत बड़ी खूबी है कि अपनी चीज़ें शेयर करना, जैसे खेलते हुए खेल के मैदान में इकट्ठे खेलना। उसके अलावा अपने दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं, ख्याल आते हैं, उनको शेयर करना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, और अपनी हर चीज़ शेयर करना, खाने पीने की चीज़ शेयर करना, नॉलेज शेयर करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं शेयर करने से इल्म में इजाफा होता है और चीज़ों में बरकत होती है। फिर क्लासरूम में अपनी टर्न का इंतज़ार करना, जब टीचर पूछे तो खामोशी से हाथ उठाना। फिर इसी तरह ये भी अच्छे मैनर्स में आता है कि लाइन बनाना और खामोशी से और वक़ार के साथ खड़े रहना, एक दूसरे को पुश ना करना, लाइन जंप ना करना। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें तो हमारे काम आसानी से हो जाएं और हमारे लाइन जंप करने से हमारे लड़ाई झगड़े भी ना हों। और फिर जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही हों तो अपने हाथ अपने पास रखना, अपने मुंह और नाक में ना डालना, ये सारे गुड मैनर्स हैं। तो अल्लाह जो है, अगर उससे दुआ मांगी जाए, अल्लाह पर यकीन रखा जाए, तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रहती, हर काम मुमकिन है। जैसे ये शेर तो आपने सुना ही होगा, दश्त तो दश्त रहे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये आपकी असेसमेंट एक्टिविटीज़ है। इस तस्वीर को देखें और देखें बच्चा क्या कर रहा है। ये भी तस्वीर है आपके साथ, आप देखें, आप ये पीछे पढ़ चुके हैं, इसके स्पेलिंग लिखें, और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं और इसको लिखें। ये भी तस्वीर देख के देखें, पहले हम आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, अब अपना चेक कर लें कि हमने क्या देखा था, स्लीप, शीप, सीड और फीड। अब हम फीट, अब हम देखते हैं कि हम एक सेंटेंस लिखना सीखते हैं। पहले हम सिर्फ अल्फाज करते रहे हैं, सेंटेंस जुमले को कहते हैं। तो हमेशा जो जुमला होता है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, बड़े हरफ से स्टार्ट होता है, और हर जुमले के आखिर में पंक्चुएशन मार्क होते हैं। अब हम पंक्चुएशन मार्क्स देखते हैं, वो मुख्तलिफ इकसाम के हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो है वो फुल स्टॉप होता है, कि हमेशा इनको रमूज़े औकाफ भी कहते हैं उर्दू में, जिससे हमें पता चलता है कि ये जुमला यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो पंक्चुएशंस जो हैं उनको औकाफ के या जुमला ख़त्म होने के निशानात भी कहते हैं। तो चलें हम कुछ जुमले बनाते हैं। जुमले के तीन मेन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे ये आपका स्पून है, तो हमने स्पून को एक जुमले में इस्तेमाल करना है, आई ईट विद स्पून। आपने देखा कि आई जो है उससे जुमला स्टार्ट हो रहा है, आई कैपिटल है, इसमें आई सब्जेक्ट है कि बच्ची जो है वो क्या कर रही है, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, ईट, ईट जो है वो वर्ब है, वर्ब फेल को कहते हैं, किसी काम करने को। बच्ची खाना खा रही है, किसके साथ खा रही है, रिलेशन जो बता रहा है विद के, खाना चम्मच के साथ खा रही है। तो इसका तर्जमा होगा, आई ईट विद स्पून, मैं चम्मच के साथ खाना खाती हूँ। फिर आगे है, हम स्टूल को जुमले में इस्तेमाल करेंगे, तो स्टूल मेज़ को कहते हैं, स्टूल को स्टूल भी कहते हैं, द कैट सेट ऑन द स्टूल। अब आप देखें कि द जो है वो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, द को आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में, और इसका कोई ख़ास मतलब नहीं होता, ये जुमले के शुरू में आता है या जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके शुरू में आता है। यहाँ पे कैट जो है वो सब्जेक्ट है,
क्योंकि कैट जो है वो काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है, सेट किसके ऊपर बैठी है, स्टूल के ऊपर, तो स्टूल जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ, तो द कैट सेट ऑन द स्टूल, बिल्ली स्टूल के ऊपर बैठी थी। अच्छा फिर उसके बाद है स्कूल को जुमले में इस्तेमाल करना है, तो माई स्कूल हैज़ आ कैंटीन। अब देखें कि इसमें भी हमने माई का एम कैपिटल लिखा और कैंटीन के बाद फुल स्टॉप लगाया, इसमें माई मेरा सब्जेक्ट है कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा स्कूल जो है उसके अंदर जो है स्कूल भी सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है, स्कूल के बारे में। हैज़ कि उसके अंदर प्रेजेंट टेंस है कि मेरे स्कूल के अंदर एक कैंटीन है, तो कैंटीन जो है वो असल में ऑब्जेक्ट है। तो माई स्कूल हैज़ आ कैंटीन, मेरा स्कूल मेरे स्कूल में एक कैंटीन है। उसके बाद आगे जो अगला हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है मून। मून को हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे, लुक एट द मून इन द स्काई। अब लुक कहते हैं देखने को, अब इसमें जो सब्जेक्ट है उसका नहीं बताया गया, लुक से शुरू हुआ है, लुक है फेल, वर्ब कहते हैं इसको, कि एट एंड इन प्रेपोजिशन है जो रिलेशन बता रही है कि बच्चा क्या कर रहा है, वो मून की तरफ देख रहा है, मून जो है वो ऑब्जेक्ट है, लुक जो है वो वर्ब या फेल है। तो लुक एट द मून इन द स्काई, आसमान में चांद की तरफ देखो। अब वो बच्चा कमांड दे रहा है, तो यहाँ पे हम देखें कि आई ईट विद द स्पून, विद स्पून, आई ईट विद स्पून, द कैट सेट ऑन द स्टूल, द से शुरू हुआ, आर्टिकल है, एंड फुल स्टॉप पे हुआ। माई स्कूल हैज़ अ कैंटीन, इसमें भी आप देखें कि जुमला कैपिटल से शुरू होता है और एंड फुल स्टॉप पे होता है। लुक एट द मून इन द स्काई, देखो चांद की तरफ आसमान में। तो ये प्रेपोजिशन जो हमें चीज़ें बताती हैं रिलेशन, विद, ऑन, एट और इन। अब आप देखें कि विद के वो चम्मच के साथ खा रही है, इन जो है ऑन स्टूल, ऑन इसमें टेबल के ऊपर बैठी है, इन जो है वो आसमान के अंदर चांद पाया जाता है, और एट ख़ास तौर पे चांद की तरफ देखो जो के आसमान में है। तो हमने आज के देखा कि सेंटेंस जो है उसके जुमला होता है, उर्दू में उसको जुमला कहते हैं, उसमें द आर्टिकल होता है, और अगर एक चीज़ इस्तेमाल हो रही हो जैसे एक कैंटीन है तो उसके साथ एक चीज़ को जाहिर करता है। बैठा था, सेट जो है वो पास्ट टेंस है, और बैठना और बैठता है के लिए सिट इस्तेमाल होता है। तो आज हमने कुछ अच्छे मैनर्स के बारे में सीखा, तो हम जो है वो क्या सीखा, हमने जुमला बनाना सीखा, हमने जुमले के पार्ट सीखे, हमने अच्छे मैनर्स की बात की, और ये बात सुनी कि कोई चीज़ भी जो है वो नामुमकिन नहीं होती। जब भी हम ये बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं है, हम अपने इखलाक और किरदार को जब संवारने की कोशिश करेंगे तो शुरू में मुश्किल तो बहुत लगेगा, लेकिन रोज़ की एक चीज़ पकड़ लें और उसको मुस्तकिल तौर पे हम अपने अमल में ले आएँ, और साथ अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ भी करें, क्योंकि हर चीज़ को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बनाने वाली चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ाती है। तो अल्लाह ताला हमें अमल